Hi guys, welcome to the channel. So in this video, we will discuss that NFA follows the string in which the second last bit is 1. Okay, second last bit is 1. Now see, this construction of NFA, I have discussed in the last video. So please see that to have the clarity that how we have to construct NFA. This is very easy. Okay. three minutes you can see that. Okay, now see, अब देखो जब हमने NFA कंस्ट्रक्ट कर लिया तो सपोज हमें स्टेट्स मिल रही हैं. कभी कभी ऐसे होता है NFA गिवन ही होता है ऑलरेडी. ठीक है, अब सी अगर नहीं भी गिवन यू हैव द मतलब माइंड कि आप कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. मैंने पूरा मेथड बताया हुआ है पिछले वीडियो में. अब सी अब स्टेट क्या है तुम्हारे पास, इनपुट क्या है, जीरो या फिर वन दिया हुआ है. ठीक है, जीरो या वन इनपुट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है तुम्हें. अब सी स्टेट कौन सी है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, Q0, Q1, Q2 ये स्टेट्स दी हुई हैं. अब देखो Q0 पे जब 0 है तो ये कहाँ जा रही है, Q0 पे. Q0 पे जब 1 है तो कहाँ जा रही है, Q0 पे और Q1 पे. Q1 पे ठीक है, जब ये जा रही है Q1 पे जब जाएगी ठीक है, तुम्हें क्या मिलेगा, 0 इनपुट अगर तुम दे रहे हो तो कहाँ जाएगी, Q2 पे. अब Q1 पे जब तुम्हें वन इनपुट मिलेगा तो कहाँ जाएगी, Q2. ठीक है, ये तो अभी हमारा NFA था. तो अब हमें इसे DFA में कैसे बनाना है वो हम देखेंगे अभी. अब देखो Q2 है, Q2 है तो अब तुम्हारे पास Q2 पे जीरो पे कहाँ जा रही है, कहीं पे भी नहीं, तो यहीं रह रही है. Q2 है वन पे कहाँ जा रही है, कहीं पे भी नहीं, तो हमने ऐसे डैश डाल दी. ठीक है, अब देखो अब तुम्हारे पास स्टेट्स जीरो वन लिख लो, इस चीज़ को तुमने कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, ठीक है जी, हमने कॉपी करके लिख दिया. अब देखो अब ये चीज़ जो है नीचे लिखो, Q0 Q1, Q0 Q1. अब देखो एक फिंगर रख लो यहाँ पे, Q0 और Q1, Q0 Q1 जब 0 पे है कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q2 पे, तो यहाँ पे लिख लो. जब 1 पे है कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q2 पे, ये मतलब कलेबरेट करके लिख लो. ठीक है, अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या आ रहा है, क्यू नॉट क्यू टू, ये स्टेट आ रही है, तो Q0 Q2 को लिखो यहाँ पे. ओके जी, Q0 Q2 को लिख के तो अब देखो यहाँ पे एक फिंगर रख लो, जीरो पे कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q2, Q0 पे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे Q0 ही. Q0 Q2 वन पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो. अब अगली स्टेट देखो, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 हमने लिख लिया. ठीक है, अब जीरो पे कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है तुम्हारे पास देखो Q0, Q1, Q2, 0 पे ये दोनों जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लिख लो क्योंकि तीनों है ना, Q0, Q1, Q2. अब 1 पे कहाँ जा रहा है, ये देखो Q0, Q1, Q2 पे जा रहा है. ठीक है, अब देखो ये इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे हमने एरो मार्क कर दिया. अब फाइनल स्टेट कैसे बनेगी, फाइनल स्टेट Q2 थी, जहाँ पे Q2 आ रहा है वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो वो क्या हो गई तुम्हारी फाइनल स्टेट. अब इसका हमने DFA कंस्ट्रक्ट करना था. ठीक है, अब DFA कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सी तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें स्टेट्स मिली हैं वो तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है. ठीक है, अब क्या क्या स्टेट्स मिली हैं, Q0 यहाँ पे लिख दो, Q0 Q1, Q0 Q2, देन Q0 Q1 Q2. ठीक है, अब सिंपल तुम्हें लेके जाना है, Q0 जीरो पे कहाँ जा रहा है, Q0 पे, तो यहीं पे मार्क कर दो. Q0 वन पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे, यहाँ पे मार्क कर दो. Q0 Q1 कहाँ पे जा रहा है, Q0 Q2 पे. ठीक है, Q0 Q1 ठीक है, यहाँ पे जा रहा है Q2 पे. ठीक है, आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, अब सपोज अब तुमने देखना है Q0 Q2 कहाँ जा रहा है, जीरो पे, ये जा रहा है तुम्हारे पास Q0 पे, तो तुम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो. Q0 Q2 कहाँ जा रहा है, वन पे. ठीक है, ये जा रहा है Q0 Q1 Q2 पे. ठीक है, कौन जा रहा है तुम्हारे पास, ये जा रहा है तुम्हारा Q0 Q1. ठीक है, Q0 Q1 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो. मतलब अब सिर्फ तुम्हें ड्रॉ करना है चीज़ों को. ठीक है, अब देखो NFA और DFA में कितना फ़र्क लग रहा है. ठीक है, NFA सिंपल है, DFA कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो ये तुम डिफरेंसेस में लिख सकते हो. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. थैंक यू.